बता रही हूँ पेडिक्योर, कि पेडिक्योर कैसे मैं करती हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने लिया है वाटर, जिसके अंदर ये वॉर्म वाटर है और इसमें हम जोजोबा सॉल्ट डालेंगे, देख सकते हैं आप। नंबर वन हम लोग ये डालेंगे जोजोबा सॉल्ट। अब हम डालेंगे हाइड्रोजन 2 कैप। जो जोजोबा सॉल्ट जो मैंने डाला है इसके अंदर, वो काम करता है जैसे हमारे पैरों में पेन है, टैनिंग है, इन सबको रिमूव करता है और पेन में रिलीफ देता है। जो भी पैरों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करता है। और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पैरों की जो गंदी स्किन होती है, हार्ड स्किन होती है, उसको फुलाता है। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ। और इसके बाद अब हम करेंगे इन पैरों का पेडिक्योर। मैम के पैरों का मैं पेडिक्योर कर रही हूँ, ये इनके पैर हैं, बट इनको वैक्सिंग करनी है, लेकिन वैक्सिंग ये करा नहीं रही हैं, तो इसलिए मैं इनके पैरों का ट्रिम करूँगी। और आप देख सकते हैं ये पैर, और बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको ये पैर दिखाऊंगी। अब देखिए मैं ये ट्रिम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इस टाइप से हमें ट्रिम करना है सारे पैरों के हेयर, क्योंकि इनको वैक्स करानी है। इन पैरों का मैं पेडिक्योर करने जा रही हूँ। ये अभी हेयरी थे, मैंने इनका ट्रिमिंग करके और इन पैसे हेयर्स निकाल दिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये पैर, इन पैरों को मैं नीट एंड क्लीन एंड प्लस वाइटनिंग करने जा रही हूँ। पेडिक्योर मैं कैसे करती हूँ ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अब मैं पैरों का करने जा रही हूँ फाइलिंग। कट मैंने पहले ही कर लिए थे, अब मैं डायरेक्टली फाइलिंग करने जा रही हूँ, सेकंड स्टेप। अब मैं इन पे लगाऊंगी नेल्सों पे क्रीम। अब मैं कायाकल्प की ये चॉकलेट क्रीम लगाने जा रही हूँ नेल्सों में, जिससे हमारे ये साइड्स के क्यूटिकल्स फूल जाएंगे। ये कायाकल्प की जो चॉकलेट क्रीम है मैं इसे इन नेल्स के कॉर्नर में भर रही हूँ। ये है हमारा थर्ड स्टेप। अब मैं इन्हें डिप कर दूंगी पैरों को। अब ये 15 मिनट to 1/2 hour डिप रहेंगे। अब मैं इन पैरों को निकाल रही हूँ 1 by 1। आप देख सकते हैं अब इसका मैं ये साइड से क्यूटिकल करूँगी। पहले स्किन, डेड स्किन को रिमूव कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। ये मैंने डेड स्किन रिमूव कर दी है, अब मैं क्यूटिकल निकालूंगी। मैम को प्रॉब्लम थी चॉकलेट से, चॉकलेट क्रीमों से, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया, अब मैं गोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4th प्रोसीजर स्क्रबिंग। तो ये मैंने लिया थोड़ा सा स्क्रब, अब मैं इसे अप्लाई करूँगी। इसके साथ में मैं पानी का यूज़ नहीं करूँगी, रोज़ वाटर का यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये है रोज़ वाटर जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं वीडियो में ये शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और इसको अच्छे से हमें स्क्रबिंग करना है जिससे टैनिंग हमारे पैरों की रिमूव हो जाए बहुत सॉफ्ट हैंड से, क्योंकि मैम की स्किन बहुत सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, तो इस पर हार्ड प्रेशर नहीं दे सकते, इसलिए हमें ये सॉफ्ट तरीके से करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से नीज पे
बहुत अच्छे से हमें ये करना है इसका मसाज, जिससे ये टैनिंग रिमूव हो जाए। हमें ये 7 मिनट करना है अच्छे से। ये स्क्रबिंग होने के बाद इनके पैर नीट एंड क्लीन हो चुके हैं और इनके पैरों में बिल्कुल भी टैनिंग नहीं है, जिसके कारण हमें स्क्रबर लगाना पड़े। तो बिल्कुल भी टैनिंग नहीं है, जिसकी टैनिंग होती है हम उसके लिए ये स्क्रबर यूज़ करते हैं, बट इनके लिए हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हमारा 4th स्टेप्स है जेल, तो अब हम पैरों में जेल को यूज़ करेंगे। ये है हमारा गोल्ड वाला जेल जो हम यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारे पैरों की मसाज करने में शाइनिंग ग्लॉसी करेंगे, इसलिए हमें इसकी अच्छे से मसाज करनी है। अब हम ये जेल मसाज करने जा रहे हैं। देखिए, अच्छे से मसाज करना है हमें। अभी मैं आपको एक ही पैर का वीडियो बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं सेकंड का भी करूंगी तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आप अब देखिए मैं क्रीम यूज कर रही हूँ। 5 स्टेप्स हमें क्रीम लेना है। और इसकी बहुत अच्छे से मसाज करनी है। ये हमें ऊपर तक अच्छे से मसाज करनी है, ये उंगलियों पे भी। अब ये हमारे पैरों की मसाज डन हो चुकी है, अब इसे हम क्लीन कर देंगे। अब ये मैंने पैक ले लिया है, व्हाइटनिंग पैक। अब मैं इन्हें पैरों पे लगाने जा रही हूँ। इसमें मैंने व्हाइटनिंग पाउडर मिक्स किया है, अब मैं इन्हें लगा रही हूँ। देख सकते हैं, इस टाइप से हमें लगाना है फुल लेग्स पर। अब ये पैक लग चुका है फाइनली। अब इसको हम 10 मिनट्स लगा के छोड़ेंगे, फिर वॉश कर देंगे हमारा पैर। अब आप ये देख सकते हैं, पैर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, शाइनिंग ग्लॉसी प्लस वाइटनिंग। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।